हेलो, आप सबका एक और क्लास में बहुत बहुत स्वागत। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जाना, बेसिक बातें कवर करी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप सॉल्यूशन पॉइंट एकेडमी कानपुर गूगल पे टाइप करके आप जा सकते हैं और पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वहां से आगे चले और आज का हमारा एजेंडा सब वॉट क्लियर है तो मैं फिर वहीं से शुरू करूं। प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है। टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक बात। तो हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे क्योंकि बिना उनकी डेफिनेशन समझे हम एक्ट को कभी समझ ही नहीं सकते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, तो बिना समय गवाए ये सारे हमें आज अपने टास्क में कवर करने। तो फर्स्ट इज ऑफर। देखिए साहब, ऑफर ये इट इज इनिशिएशन ऑफ एन अग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट का इनिशिएशन कैसे से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी, विल यू बाय माय कार फॉर रुपीज 1 लाख। तो हम सब कहेंगे यहां पर मिस्टर ए क्या कर रहे हैं। मिस्टर ए इज मेकिंग एन ऑफर टू मिस्टर बी कि आप मेरी कार 1 लाख में खरीद ले। तो ए ऑफर दे रहे हैं तो ये हो जाएंगे ऑफरर या प्रोमिसर। और जिनको ऑफर दिया जा रहा है वो बन जाएंगे ऑफरी या प्रोमिसी। तो बात समझ में आ गई, एग्रीमेंट की शुरुआत ही ऑफर से होगी। नो ऑफर, नो अग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट। अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए साहब आगे की बात करें। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने टर्म ऑफर को डिफाइन किया है। कई बार ये सवाल आता है क्या हमें डेफिनेशन को याद करना चाहिए। सर, डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि जब आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तो डेफिनेशन से ही बहुत सारी बातें ऑफर के बारे में निकल कर आएंगी और यही ऑफर अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर बन जाएगा। एक्सेप्टेंस अपने आप में चैप्टर बन जाएगा, कंसिडरेशन अपने आप में चैप्टर बन जाएगा। अगर डेफिनेशनल पार्ट पर आपकी होल्ड अच्छी है तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन को लेके जितने भी आपको रूल्स बताए जाएंगे, प्रोविजंस बताए जाएंगे, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो यस, आपको इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझना है और जब समझ लोगे तो विद अ पैसेज ऑफ टाइम वो याद भी हो जाते हैं और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनमें कोट करने में आपको फायदा होगा, हो सकता है। ठीक, हालांकि बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन के पर्पस से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती पर इनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो फॉर्मल डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दी ऑफर की, अब वो समझते हैं। ऑफर तो समझ में आ गया, होता क्या। चलिए, ऑफर कहते हैं व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग
on anything with the view of obtaining assent of another for such an act or abstinence he is said to make an offer or proposal. दो नाम। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा कठिन काम हो गया। नहीं सर, ये डेफिनेशन कितनी जबरदस्त है, जरा कोशिश करें समझने। कहते when a person signify का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना, दर्शाना, जताना। क्या दर्शा रहा है? His willingness, अपनी इच्छा को जता रहा है कुछ करने या कुछ ना करने की, कुछ करने या कुछ ना करने की। और साथ में उसका व्यू पॉइंट क्या है जिसको वो ये अपनी इच्छा बता रहा है, उससे वो एसेंट भी लेना चाहता है। देखिए वर्ड कंसेंट नहीं यूज करेंगे, जब दो लोग अग्री कर जाएं तो वर्ड यूज होगा कंसेंट, पर किसी एक की सहमति चाहिए तो एसेंट। ठीक। तो साहब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा, ही इज सिग्निफाइंग हिज विलिंगनेस टू अदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट। उसकी वो क्या चाह रहा है? उसकी सहमति लेना चाह रहा है। देखिए सर कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां आ गया, जो डेफिनेशन से ही निकलकर आया कि एक व्यक्ति जब एक्सप्रेस कर रहा है अपनी इच्छा को दूसरे के सामने, जैसे इस केस में देखिए तो मिस्टर ए ही इज एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस क्या टू सेल हिज कार। ठीक। टू डू एन एक्ट। अब यहां पर नॉट टू डू हो सकता था, जैसे एग्जांपल ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ए बी से कहते हैं मैं आपके विरुद्ध कोर्ट ऑफ लॉ में मूव नहीं करूंगा अगर आप मुझे 2,00,000 रुपए दें। अब दिस इज एन ऑफर नॉट टू डू, मैं आपके विरुद्ध कोई रिट, आई वोंट फाइल एनी रिट अगेंस्ट यू इफ यू गिव मी ₹1,00,000। नॉट हियर ऑफर इज नेगेटिव, सो ऑफर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अनदर। जब मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूं, व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग माय विलिंगनेस, एट द सेम टाइम आई वांट एसेंट ऑफ अनदर, मैं चाहता हूं अगला सहमति भी दे। मतलब सर इसका क्या मतलब हुआ? सपोज अगर मैं कहता हूं आई विश टू सेल दिस कार और चाहो तो आप भी ले लो, नहीं तो मुझे तो किसी ना किसी को ये कार बेचनी ही है। नाउ दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज व्हाट मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। ऑफर का गुण है कि जब इच्छा व्यक्त की जा रही है किसी कार्य को करने की या ना करने की, एक्ट को करने की या ना करने की, उद्देश्य यह है कि अगला व्यक्ति अपनी सहमति दे दे, तभी वो ऑफर में माना जाएगा। अगर यहां ये कहते हैं आई विश टू सेल दिस कार दिस ईयर टू एनीबडी, नाउ दिस इज मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, मैं अपने इंटेंशन को डिक्लेयर कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो एज आई हैव सेड कि ऑफर की डेफिनेशन कोई रटने वाला विषय नहीं है कि आप इसको मगअप करके बैठ जाओ, नहीं, समझने वाला विषय। और जैसे जैसे हम एक्ट में आगे बढ़ेंगे
हमारी समझ और ज्यादा मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक, सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। नाउ मूविंग टू सेकेंड डेफिनेशन, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। कहते हैं व्हेन द पर्सन टू हूम एन ऑफर इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू, ही इज सेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो इस केस में बी को ऑफर दिया गया और बी कहता है यस आई विल बाय द कार फॉर रुपीज 1 लाख। ए ने कहा कार लो, वो कहता है ठीक है साहब मैं आपकी 1 लाख में कार खरीद रहा हूं। सो इट इज एक्सेप्टेंस। ठीक, तो ए ने ऑफर दिया बी को, बी ने ऑफर स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेंस। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसी से जुड़ा तीसरी डेफिनेशन है प्रॉमिस। तो क्या हो गई प्रॉमिस की डेफिनेशन, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। मींस प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और सर जैसे ही प्रॉमिस हुआ वैसे ही अगली चीज आ गई अग्रीमेंट। क्या आ गई सर, देखिए कितना फास्ट हो रहा है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या बोलेंगे सर इसको, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। ठीक, तो अग्रीमेंट भी क्या हो गया, इन अ वे हम कह सकते हैं एग्रीमेंट इज प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, या इसको भी हम कह सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही प्रॉमिस पूरी होती है अग्रीमेंट कम्स इनटू, पर प्रॉमिस भी कैसे एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी प्रॉमिस भी कैसी, फॉर्मिंग कंसिडरेशन। अभी मैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आऊंगा। तो यहां पर देखिए ए ने ऑफर किया बी को बाय माय कार, बी एक्सेप्टेड द ऑफर, प्रॉमिस हो गया। और ये जो प्रॉमिस हुआ यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज फॉर्मिंग कंसिडरेशन। ए के लिए क्या कंसिडरेशन है, 1 लाख रुपए। बी के लिए क्या कंसिडरेशन है, द कार, राइट। सो प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, प्रॉमिस हवा वाली नहीं, बेकार वाली नहीं, हवाबाजी नहीं, प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, राइट। मैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन में बाद में आऊंगा, मैं अगली डेफिनेशन ले लू, फिफ्थ डेफिनेशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, सबसे पहले एग्रीमेंट हो गया प्लस इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट हो
एंड इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ देन इट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे साहब एनफोर्सिबल बाय लॉ यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ लागू कर पाए, एनफोर्स कर पाए, प्रभावी कर पाए, तो आप कहेंगे क्या लॉ सारे अग्रीमेंट को प्रभावी नहीं करता है? देखिए सर, एक अग्रीमेंट है वो इलीगल भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए मिस्टर ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ। ए ने कहा बी से कि मिस्टर सी को आधा किलो का गुम्मा खींच के मार दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। अब अग्रीमेंट तो है जहां ए बी से कह रहे हैं कि आधा किलो का गुम्मा लो और सी का सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। है तो अग्रीमेंट, क्या लॉ इसको लागू करेगा? नहीं सर, ये इलीगल है। ऐसे कोई अग्रीमेंट इमोरल हो सकता है, मॉरली रॉन्ग। तो इस तरह के जितने अग्रीमेंट हैं वो अग्रीमेंट ही रह जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेते। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा कोई अग्रीमेंट जब वो लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा जिसको लागू किया जा सके, लॉ जिसको प्रभावी कर दे। तो जाहिर सी बात है लीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड बोलता है, कहता है साहब आप कर लीजिए जितना करना है, हम इनको क्या मानते हैं, ये अवैध है, ये वॉइड है। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आगे जाके पढ़ाऊंगा। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये कुछ ऐसे अग्रीमेंट है जिन्हें लॉ, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही वॉइड करता है। इसलिए ये केवल अग्रीमेंट ही होकर रह जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले पाते। एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल, जिसको लॉ के द्वारा लागू किया जा सके, वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो अग्रीमेंट का अग्रीमेंट ही रह जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब साहब इतने डिस्कशन के बाद अगर मैं एक पॉइंट डिस्कस आपसे करना चाहूं, और पॉइंट क्या है, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या आप मेरे इस कथन से सहमत हैं? आप कहेंगे हां सर, कई सारी वजहें हैं कि ये कथन सही है। क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले वो अग्रीमेंट जरूर रहा है, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वो तो आपने अभी ही बताया कि हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी, फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी फर्स्ट एन अग्रीमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसको पहले क्या बनना पड़ेगा, अग्रीमेंट। दूसरा, वेयर अग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन,
इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैंने अपने पहले पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल उन अग्रीमेंट्स पे लागू होता है वेयर बोथ द पार्टीज ऑफ अग्रीमेंट इंटेंड टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, यानी दोनों पार्टीज का इंटेंट ये है कि अगर किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप मुझे बर्थडे पार्टी पे बुलाएं, मैं मना कर दूं, तो आप मेरे खिलाफ आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं चले जाओगे। तो जनरली सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट में पार्टीज डोंट हैव इंटेंट टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता ही नहीं है। यह बात ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, सम ऑफ द एग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली एज वॉइड by Indian Contract Act, for example, agreement with minor, agreement in restraint of trade, and so on. अब जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही कुछ अग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ये तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे नहीं, तो मतलब ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो अग्रीमेंट तो अवश्य है, अग्रीमेंट पहले जरूर बना होगा और वो अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ था, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाया। ठीक, तो हेंस प्रूव्ड कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक, आगे चलें सर, और लास्ट डेफिनेशन को टच करते हैं। दैट इज कंसिडरेशन। नो, देयर आर कपल ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, पर मैं यहां पर वो डेफिनेशन लूंगा जिससे हमको हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किक स्टार्ट मिल जाए। राइट, सो कंसिडरेशन, कहते हैं इन द सेंस ऑफ लॉ अ वैल्यूएबल consideration is one that consists of some right, interest, profit or benefit accruing to the party or some forbearance, detriment, loss, responsibility given to another party. Given, accepted, surrendered to another party. अब हम कहेंगे सर,
कंसिडरेशन कि ये बात तो समझ में आती है कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसे माना जाएगा जहां पर एक पार्टी को कोई राइट मिले, इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले या बेनिफिट मिले, तो ये तो कंसिडरेशन है। पर किसी पार्टी को फॉरबियरेंस, उसे कुछ पेशेंस रखना है, डेट्रीमेंट कुछ डैमेज हो, लॉस कुछ नुकसान हो, दोनों सिनोनिम है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये कैसा कंसिडरेशन है? देखिए, वर्ड लगा है और हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। देर आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। जैसे मैं एग्जांपल लू मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को टू बाय कार एंड मिस्टर बी हैज एक्सेप्टेड। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, कंसिडरेशन की डेफिनेशन लगा रहा हूं और मैं आपको एक कॉइन के दोनों साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मिस्टर बी को क्या मिल रही है? कार। कार मिलने का मतलब क्या है? राइट मिलना, बेनिफिट मिलना, ठीक। ऐसे ही कोई केस हो सकता है जहां पर बी को प्रॉफिट मिल रहा हो। सर इतनी बात तो मुझे पहले ही समझ में आ गई थी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सर अगर इनको कुछ मिल रहा है तो किसी का कुछ तो जा रहा है। कंसिडरेशन का दूसरा साइड देखिए, ए को क्या देना पड़ रहा है? अपनी कार। देयर इज अ लॉस ऑफ कार जो पहले मिस्टर ए यूज कर रहे थे, दिस इज अ लॉस, दैट इज अ डेट्रीमेंट। यहां ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कार को डिलीवर करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन, एक को कुछ मिल रहा है और एक को देना पड़ रहा है। जब ये डेफिनेशन मैं पढ़ता हूं तो कई बार मैं कहता हूं कि ऐसे मैं पूजा कर रहा हूं और मेरे हाथ में सोने का एक बड़ा सा बार आके गिरे और मैं किसी को दे दूं, बदले में उससे कुछ ले लूं, बड़ी अजीब सिचुएशन है क्योंकि मैं मेरे पास से कुछ गए ही नहीं। हाँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी आप कह सकते हैं कि सर हाथ में तो आपके ही आया, तो हुआ तो आपका ही और दे तो आप रही हो, लॉस तो है। तो हर चीज के दो पक्ष है। सिमिलरली बी को 1,00,000 देना पड़ा इस कार को खरीदने के लिए, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 1,00,000 रुपए। ये इनका प्रॉफिट है, बेनिफिट है, ये इनका राइट है। और 1,00,000 बी को देना पड़ा, ये लॉस है, डेट्रीमेंट है। तो कंसिडरेशन किसी को मिल रहा है तो किसी को देना भी पड़ रहा है, राइट। बस डेफिनेशन का ये एक अहम हिस्सा था। पर याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों तरफ से कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, ए की तरफ से भी और बी की तरफ से भी। ए को कार, ए बी को कार दे रहे हैं तो बी के लिए कंसिडरेशन है कार, और बी ए को दे रहे हैं 1,00,000 रुपए तो ए के लिए कंसिडरेशन है 1,00,000 रुपए। सो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? दो तरफा। इस बारे में आगे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। आज इस छोटे से वीडियो का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जिनको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, अगर इनको पकड़ के चले तो आपके कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो मैं बहुत जल्दी अपना इसका तीसरा पोर्शन लेके आऊंगा। इस बीच परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जितना मैंने बताया उतना करिए और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात।